अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे लास्ट ब्लॉग के बाद जितने भी सब्सक्राइबर्स आए हैं उन सबका बहुत बहुत वेलकम वेलकम टू माय चैनल जी। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और आज के ब्लॉग में ये है कि मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मुझे ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अचानक ही मैं बैठी हुई थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात होने लग गई, और वो मुझे बताती है कि वो ट्रैवलिंग कर रही है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा। तो मुझे याद आ गए वो दिन जब मैं उसके साथ हुआ करती थी, बिकॉज़ जब हम साथ पढ़ती थी तो हमारा ट्रिप क्या था, मुझे वो दिन याद आ गए। मैं उससे बताने लगी वो क्या दिन थे, कितना मज़ा आया था उस दिन। मैं उसे ये बता रही हूँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आई मिस यू। आगे से मुझे कहने लग गई है कि मीन उसे किसी और की ही याद आ रही थी, मुझे उसकी आ रही थी लेकिन आगे से मैडम को किसी और की ही आ रही थी। तो थोड़ी ना मैं ज़रा हुई, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ थोड़ा सा ट्रैवलिंग का माहौल भी। मुल्तान से फैसलाबाद आ रही है, एक्चुअली ये माशाल्लाह से मैरिड है। चुप करो उस्मान, खैर ये बहुत बोल रहे हैं, मैंने इन्हें कहा भी है चुप कर जाओ, लेकिन ये चुप नहीं हो रहे, इनको पता भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। चले इनसे मिलते हैं पहले ना, ज़रा बिल्कुल भी नहीं चुप होते, इसको मैंने कहा भी मैं ब्लॉग बना रही, इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे, इधर आओ। इनसे से मिलिए, ये उस्मान चुप नहीं होते तुम हैं, तुम्हें नहीं पता मैं ब्लॉग बना रही हूँ, खड़े हो जरा। ये ना मुझसे छोटा है तो थोड़ी सी हाइट निकाल ली है बेचारे ने, शौकिया नहीं इसकी ख़त्म होती हैं। ठीक है, माशाल्लाह से इसका 9th का रिजल्ट आया है। तो कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? 438। हाँ, इसके 438 मार्क्स आए हैं, अपनी क्लास में इसने टॉप किया है। तो चला गया उस्मान ट्यूशन चला गया। तो हम बात कर रहे थे ट्रैवलिंग की, और यहाँ पर मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, गाड़ी में कर रही है ट्रैवल। ठीक है, और मैं बैठी हुई थी घर पे ही, ऐसे ही उससे बात कर रही थी, और ये मुझे कह रही है कि मुझे बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, सफ़र करना नहीं पसंद है मेरा ना, होता है किसी का दिल ख़राब वगैरह होता है, और मैं ऐसे कह रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये कह रही है मेरे क्या लिख दिया गया है किस्मत पे, और तुम्हारे तुम्हें इतना शौक है तुम बेचारी कर ही नहीं पाती, मैं कहीं जा ही नहीं पाती, इतनी बिजी होती हूँ। 4 ईयर्स से मैं कहीं गई नहीं हूँ बिकॉज ऑफ जॉब। ठीक है, तो और साथ की मैडम कह रही थी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था आने को, ये वापस आ रही है अपनी मामा के घर, तो कह रही है हस्बैंड की याद आ रही है मुझे। मैं कह रही थी कि मुझे, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हम कभी ट्रिप पे गए थे ये वो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे हस्बैंड की याद आ रही। कहती है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मैं उनको छोड़ के आऊँ तो लेकिन मजबूरी थी तो आना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वापस भी जाना ही है, कोई बात नहीं। और इसके अलावा फिर ये बातें कर रही थी, मैंने कहा इसका ध्यान इधर उधर करते हैं। मैंने इसे कहा कि तुम्हें तो पता ही है मुझे शौक़ है, तो मुझे ना वीडियो बना कर दो ताकि मेरा व्लॉग भी बन जाए। ठीक है ना, कहती नहीं 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 मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई है, मुझे ना शर्म आती है ये वो। मैंने कहा यार ये तुम्हारी ये सोच है, वो तुम्हें देख रही है या ये वो कुछ तुम्हें कुछ नहीं कहती, मैंने इसे बहुत बहुत ज़्यादा कहा तो उसने मुझे छोटी छोटी फिर ये शेयर की। तो ये मुल्तान से फैसलाबाद के दरमियान का सफ़र है, जो लोग आते जाते हैं वो पहचान रहे होंगे। और ये देखें ट्रेन की आवाज़ आ रही है, हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से ट्रेन मुझे अपनी आवाज़ें सुना आ रही है, मैं कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी, बहुत ज़्यादा शौक है, बैठेंगे कभी। चले फिर बाद में क्या हुआ, अचानक ही ना थोड़ी सी इसकी वीडियो में ना क्या हुआ, बस आ गई। मैंने कहा ओ यार तुम अपनी बस तो दिखाओ जिस बस में बैठी हुई हो। फिर कहती नहीं 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 सब बैठे हुए हैं, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, वो फलां अंकल हैं वो भी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ तुम ना मुझे बस की ना पीछे पीछे से दिखा दो, थोड़ा ऊपर ऊपर से दिखा दो, नीचे नीचे से कुछ दिखा दो। फिर इससे मुझे ना बड़ी हिम्मत करके, जाहिर है बेस्ट फ्रेंड है मेरी बात तो नहीं डाल सकती, बड़ा प्यार है हमें, तो फिर इसने बड़ी मुश्किल बनाई, कहती ये लो खुश हो लो। और मैंने फिर बस देखी, अब आप लोग भी देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत है। वैसे तो मैंने डेवो में सफ़र किया हुआ है, लेकिन ये मैंने पहले दिन बार ही देखा था कि हर सीट के आगे LCD लगी हुई है। ठीक है,
कहती हाँ नेट भी लगा हुआ है लेकिन मैं चलाती नहीं हूँ। मैं कहा ये ठीक है, तुम इंजॉय करो बैठ के, ऐसे ही बोर हो रही हो, यानी उनकी याद में रो रही हो, वहाँ ही जाना है तुमने वापस। खैर फिर हमारी ऐसी बातें बूते होती रही, मुझे तो मिली वीडियोज़, मैंने भी इंजॉय किया साथ उसके, और उसका भी सफ़र अच्छा गुजरा और अब मेरा भी व्लॉग बन गया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सजेशन भी दिया करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।